दोस्तों, YouTube पे कितना कंपटीशन है आपको भली भांति पता होगा। जैसे कि मानो कि नौकरी के लिए लोग अप्लाई करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन नौकरी हर किसी को नहीं मिलता। इतना अभी कंपटीशन है YouTube पे भी दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। ओरिजिनल वीडियो, ओरिजिनल कंटेंट बनाने का फायदा अलग ही है। जी हाँ दोस्तों, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, नो चिंता, नो फिकी, कोई टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। बोलो कैसे दोस्तों, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, ओरिजिनल वीडियो बनाइए, किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। देखो दोस्तों, अगर आप ओरिजिनल वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब में काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, अगर करना चाहते हैं, अगर काम कर रहे हैं तो ओरिजिनल वीडियो पे कंटेंट पे फोकस कीजिए। हफ्ता में एक ही बनाइए, एकदम अच्छा वीडियो बनाइए, बढ़िया वीडियो बनाइए, जो कि दर्शक को, जो भी आपका दर्शक होगा, आपका जो सब्सक्राइबर होगा, वो देखने वाला को अच्छा लगे, देखने वाला सोचे कि हाँ, इस वीडियो ने, इस मतलब कि इस वीडियो में बहुत अच्छा चीज़ बताया है और इस बंदा ने अच्छा चीज़ दिखा रहा है। दोस्तों, शुक्र करें कभी आपका चैनल अगर जो भी क्राइटेरिया होता है फेसबुक का चाहे यूट्यूब का, अगर वो पूरा हो गया, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा अगर पूरा हो गया बाय चांस भगवान कृपा से, आपका अगर वीडियो चल गया, तो बाद में क्या आता है, चैनल को मोनेटाइज करना। जब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए हो जाएंगे, जब यूट्यूब के पास जब आप भेजिएगा, तब क्या होगा पता है, जब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए, जब यूट्यूब के पास जो यूट्यूब है, जो जब यूट्यूब वाले जो यूट्यूब के कंपनी से काम करते हैं, वो लोग जब आपका, जब कि आपका चैनल जब रिव्यू करेगा, जब रिव्यू करेगा, तो तब तो भारी दिक्कत है, प्रॉब्लम, मतलब कि भारी दिक्कत है। बोलो कैसे, आपको लगेगा कि चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, पूरा एकदम चिंता लगा रहेगा। 48 घंटे के अंदर में दोस्तों चैनल मोनेटाइज हो जाता है, अगर आपका चैनल अगर ठीक रहा तो। अगर आपका चैनल सब तरीके से ठीक रहा, किसी का कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब की नज़र में अगर जो पकड़ा गया, तब आएगा रीयूज कंटेंट। जी हाँ दोस्तों, रीयूज कंटेंट आएगा। जब रीयूज कंटेंट आ जाएगा ना, जब डी मोनेटाइज का मतलब कि मैसेज आ जाएगा कि आपका चैनल पर मोनेटाइज नहीं कर रहा हूँ, तब आपको दिल में बहुत चोट पहुँचेगा। जब दिल में चोट पहुँचेगा ना दोस्तों, तो बहुत दर्द होगा, अफसोस होगा कि इतना दिन का मेहनत किया हुआ सारा पानी फिर गया। इसीलिए ओरिजिनल वीडियो बनाइए, भले वायरल ना हो, भले वीडियो ना चले, अगर आगे चल के अगर जो वीडियो वायरल हो गया तो फ़ायदा में रहिएगा। इसीलिए ओरिजिनल वीडियो बनाइए। मेरा चैनल आपको बता रहा हूँ, ये सब चीज़ मेरे साथ हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ, मेरा चैनल डीमोनेटाइज रीयूज कंटेंट की वजह से आ गया था। था का मतलब बाद में बताऊंगा, दूसरा वीडियो, मतलब कि समय आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। और दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो बनाने से फेस वैल्यू बनता है कि हाँ, ये बंदा वीडियो बना रहा है, यही बंदा वीडियो बना रहा है, ये बंदा है। और कॉपी पेस्ट करिएगा तो बहुत खतरा है, गलत काम करने पे बहुत खतरा है, रिस्क है, हो सकता है सक्सेस मिल भी सकता है, नहीं भी मिलेगा। ये बात कान खोल कर सुन लीजिए, मेरा फेसबुक चैनल मोनेटाइज हो चुका है। जी हाँ, आपको भली भांति पता होगा, और जो YouTube से वीडियो अगर देख रहे हैं तो उसको भली भांति पता होगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज है कि नहीं है, ये आप लोग ज़रूर जानते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। चलो, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि खराब लगा।
जरूर।